हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आर सी आई एच एफ केमिस्ट्री ऑनलाइन क्लास। तो बच्चों, लास्ट टाइम जब हम बोरोन परिवार के तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की हम बात कर रहे थे, आज हम बात करेंगे कार्बन परिवार के तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के। तो हम बोल सकते हैं वर्ग 14 के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, वर्ग 14 के जो तत्व हैं उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करेंगे बच्चों। और वर्ग 14 जो होता है इसको हम फोर्थ ए भी बोल सकते हैं, ठीक है बच्चों, या फिर बोलें इसको हमें कार्बन परिवार। क्या बोलेंगे? कार्बन परिवार, ठीक है। अब बात करते हैं इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। इनका जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा वो होगा NH2NP2। क्या होगा बच्चों? NH2NP2। उसके बाद हम बात करें इनके संयोजी इलेक्ट्रॉन की, कि इनके पास में संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। तो दो और तो कितने होंगे? चार। कितने होंगे आपके पास में संयोजी इलेक्ट्रॉन? चार होंगे। मतलब कि ये जो तत्व हैं चार से ज्यादा बंध नहीं बना सकते, ठीक है बच्चों। अब बात करते हैं इसमें कौन कौन से तत्व आते हैं आपके पास में। तो यहाँ देखते हैं कार्बन पर बात करें, हमने पढ़ा था इस परिवार के जो तत्व उनकी ट्रिक होती है कहे सीताजी सुनो प्रभु। तो कहे सीताजी सुनो प्रभु, कार्बन सिलिकन जर्मेनियम, ये तीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? लैड हो जाएगा। अब बात करते हैं परमाणु क्रमांक की। तो परमाणु क्रमांक क्या होगा हमारे पास में? तो देखिए बच्चों, कार्बन जो होता है 6 नंबर पे आता है, ये 14 पे हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 32 पे, ये हो जाएगा पास में 50 पे, और ये हो जाएगा बच्चों आपके पास में 82 82 नंबर पे हो जाएगा, ठीक है। अब इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करते हैं। 1s2 2s2 2p2 क्या दिया हुआ है? 1s2 2s2 2p2। तो देखो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2 NP2, n का मान क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए लास्ट में। तो देखो n और n ये समान है, तो इनका सामान्य इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या होगा? NH2NP2। और कितने इलेक्ट्रॉन दिए हैं? 2, 2, 4। तो इसके संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 4 होंगे। अब बात करते हैं सिलिकॉन की। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2 बच्चों, ठीक है। अब बात करते हैं जर्मेनियम की। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p2 आपके पास में इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास ये हो जाएगा। अब बात करते हैं टिन की। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4p10 5s2 और 5p2 ये हो जाएगा जर्मेनियम का बच्चों, ठीक है। अब बात करते हैं लेड की। इसका होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f4d 5s2 5p6 5d10 और यहाँ हो जाएगा 6s2 6p2 बच्चों, ठीक है। ये इन तत्वों का क्या हो जाएगा हमारे पास में? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा। अब बात करते हैं वापस से देखते हैं कि देखिए इनका तो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है वो होता है NH2NP2। अब यहाँ पर देखिए आपके पास में देख लीजिएगा NH2NP2 N जो आपके पास में क्वांटम नंबर के हिसाब में समान है, कोस की संख्या देखो यहाँ पर NN सेम होना चाहिए। कितना दिया हुआ है? 2-2 दिया हुआ है, 3-3 4-4 5-5 6-6 यहाँ पर दिया हुआ है। मतलब कि अब बोल रहे संयुक्त इलेक्ट्रॉन, तो बाह्यतम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, तो बाह्यतम कोष कौन सा होगा? ये दोनों। कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, 2, 4। तो सभी में कितने होंगे संयुक्त इलेक्ट्रॉन? 4 होंगे। ये देखो ठीक है बच्चों, अगर हमारे पास में इलेक्ट्रॉन विन्यास सही है या नहीं है तो हम यहाँ पर इसके इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट कर देते हैं। जितना इसका परमाणु क्रमांक होगा तत्व होंगे उतना ही क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन होंगे। तो देखते हैं यहाँ पर परमाणु क्रमांक 6 है, तो 2, 2, 4, 2, 6, ठीक है। यहाँ पर 2, 2, 4, 10, ये 12, 14 हो गया आपके पास में। अब यहाँ पर बात करते हैं 2, 2, 4, 6, 10, 10 तो 12, 12, 6, 18, ये 28, ये 32, ये कितने होंगे बच्चों? सॉरी, ये 30, ये कितने होंगे? 32 होंगे। उसके बाद में यहाँ पर चलते हैं आपके पास में, तो यहाँ पर अगर इसके इलेक्ट्रॉन विन्यास देखोगे तो देखो 2, 2, 4, 4, 6, 10, 2, 12, 12, 6, 18, 18, 10, 28, 2, 20,
से 26, ये 36 हो गए, और 36 से दो कितने होते बच्चों आपके पास में 38। वापस से गिनते हैं एक बार थोड़ा सा, दो और दो चार, चार छः दस, दस से दो बारह, बारह छः अठारह, अठारह दस अट्ठाईस, अट्ठाईस से दो तीस, तीस से छः छत्तीस, छत्तीस से दस कितने होते हैं बच्चों 46, 46 दो 48, दो 50, हमें चाहिए कितना था 50 चाहिए था, ठीक है। अब आ रहा है हमारे पास में लेड आ रहा है, तो लेड के बारे में देखते हैं, दो दो चार, चार छः दस, दो बारह छः अट्ठारह, ये 28, ये 30, ये 36, ये 46, ये 60, ये 62, ये 68, ये 78, ये 80, और ये कितना हो जाएगा 82, हमें चाहिए कितने थे 82। तो बच्चों वर्ग 14 के तत्वों का इलेक्ट्रॉन विन्यास बात करें कार्बन परिवार की, और इनका सामान्य इलेक्ट्रॉन विन्यास होता है NH2 NP2 होता है, सहज इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं आपके पास में, ये 4 होते हैं बच्चों, ठीक है बच्चों, बाकी बात करेंगे हमें नेक्स्ट क्लास में।